बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 3 है, और जब मिस्टर चिप्स रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद मिस्टर विकेट के हाँ किस तरह वो रहते हैं, इस चैप्टर में ये सारे हालात जो है वो बयान किए गए हैं। और ये चैप्टर 3 आज हम इसकी स्टडी करते हैं और इसका तर्जमा भी साथ साथ देखते हैं। इट वॉज ए स्मॉल बट अ वेरी कंफर्टेबल रूम, वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। और मिसेस विकर ने जो कमरा चिप्स को किराए पर दिया था वो छोटा मगर आरामदेह था। कंफर्टेबल का मतलब है आरामदेह। एंड सनी, और वहां अच्छी धूप आती थी। सनी रूम दैट मिसेस विकर लेट टू हिम, और घर जरा बदसूरत और घटिया नुमाइशी किस्म का था, अगली एंड प्रीटेंशियस, अगली बदनुमा एंड प्रीटेंशियस और घटिया दिखाई देने वाला। बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इट वॉज कन्वीनियंट, और वो आरामदेह था, मौजू था। कन्वीनियंट मौजू आरामदेह, कन्वीनियंट दैट वॉज द मेन थिंग, जो असल बात थी, बड़ी बात, मेन थिंग कि ये आरामदेह था घर मिस्टर चिप्स के लिए, आरामदेह था। और ये इसकी बड़ी खूबी थी, और ये इस घर की बड़ी खूबी थी। इट वॉज मेन थिंग फॉर ही लाइक्ड इफ द वेदर वार मिल्ड एनफ, अगर मौसम खुशगवार होता, मिल्ड मीन खुशगवार, दरमियाना, टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड। और स्ट्रॉल का मतलब है टहलना, तो टहलना अगर मुमकिन होता उस मौसम में, अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स, और खेल के मैदानों में टहलता हुआ खेल देखने पहुंच जाता था। अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स, और वहां पर गेम्स देखता था। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज ए फ्यू वर्ड्स, और जब लड़के अपनी, ही लाइक्ड टू स्माइल एंड एक्सचेंज A few with the boys when they touched their caps too. और जब लड़के अपनी टोपियों को छू कर उसके दौरान उन्हें घर जाने पर बुलाते, वो हमेशा He
He liked to smile and exchange a few words with the boys when they touched their caps to him. वो पसंद करता था कुछ मुस्कुराहटों का तबादला और कुछ अल्फाज का तबादला उन लड़कों के साथ जब वो अपनी टोपियों के साथ उसको छेड़ते थे, टच करते थे. He made a special point of getting to know all the new boys or he made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. और वो उन्हें अपने घर चाय पर बुलाते थे नए बच्चों को. और हम कलाम होता तो वो इस बात का खास ख्याल रखता था कि स्कूल में आने वाले तमाम नए लड़कों से शनाशाई रखे और उनके पहले साल के दौरान उन्हें अपने घर चाय पर बुलाए. वो चाय पर उनको बुलाने का ख्याल रखता था. गेटिंग टू नो ऑल द बॉयज ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म ही ऑलवेज ऑर्डर्ड ए वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रोडवेज इन द विलेज. और वो हमेशा रोडवेज दुकान से अखरोट के केक मंगवाता जिस पर गुलाबी रंग की चीनी की तय पड़ी होती थी. गुलाबी रंग की चीनी की तय उसके ऊपर होती थी और रोडवेज ये बेकरी थी या दुकान थी देहात में, तो वहां से वो मंगवाता था. ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पर्स टू और नरम केक और सर्दियों में नरम केक भी मयसर होते. अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर और एक छोटा सा ढेर होता आग के सामने. सोक्ड इन द बटर सो दैट द बॉटम वन ले इन ए लिटिल शैलो पूल. और वो इस तरह उनको आग के सामने एक छोटा सा ढेर जो मक्खन में भिगा हुआ होता और सबसे निचले वाला मक्खन के तालाब में डूबा हुआ होता. मक्खन के तालाब में शैलो पूल मक्खन के तालाब में. हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम. चिप्स को उसके मेहमान चाय बनाते हुए देखते और उनके लिए ये बायस तफरी थी. ये बात बायस तफरी थी जब उसको चाय बनाते हुए वो देखते थे. और वॉच हिम मेक अ टी मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल फ्राम डिफरेंट कैडीज. और ये फ्राम और ये स्पूनफुल फ्राम डिफरेंट कैडीज
found it fun to watch him make tea, mixing careful spoonful from different caddies, डब्बे. कैडीज का मतलब डब्बे, चमचे. जब वो चाय में मुख्तलिफ चीज़ों के चमचे भर भर कर मिक्स करता था तो इसको बड़ा मज़ा आता था उनके गेस्ट को. एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज वेयर दे लिव्ड, और नए आने वाले लड़कों से पूछता कि वह कहाँ रहते हैं. एंड इफ दे हैड फैमिली कनेक्शन, और वो ये भी पूछता कि क्या उनके कोई ख़ानदानी रवाबत है पहले भी ब्रोकफील्ड के साथ, यानी पहले भी कोई पढ़ कर गया है. ही केप्ट वॉच टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी. और वो जब उनके पास बच्चे आते थे चाय देता था, बिस्कुट की प्लेटें उनके सामने रखता था, तो वो देखता था, ये गौर से देखता रहता कि उनकी प्लेटें कहीं खाली ना हो. एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक एंड से वेल इट हैज बीन वेरी डिलाइटफुल. तो वो जब 5 बजते, द सेशन हैड लास्टेड, और ये सेशन का इख्तिताम हो जाता, एन आवर, सेशन के घंटे खत्म हो जाते, ही वुड ग्लांस एट द क्लॉक, वो क्लॉक की तरफ देखता है, एंड से, और कहता, वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल, बड़ा मज़ारा मीटिंग यू लाइक दिस, तुम्हारे साथ इस तरह मीटिंग करने में. आई एम सॉरी यू कैन नॉट स्टे, मुझे अफसोस है कि अब आप यहाँ नहीं ठहर सकते. एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स, वो मुस्कुराता और उनके साथ हाथ मिलाता, शेक हैंड, उनके साथ हाथ मिलाता. विद देम इन द पोर्च ड्यूटी में, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स. और डेरी में आकर उनको वहां पर अलविदा कहता और सड़क की तरफ वो भाग जाते, ये कमेंट्स देते हुए कि डिसेंट ओल्ड बॉय, बहुत ही शानदार बूढ़ा लड़का है चिप्स, गिव यू ए जोली गुड टी, उसने बहुत ही मजेदार चाय पिलाई. एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, और वो ये भी जानता है कि कब लड़कों को कमरे से बाहर निकालना है, धक्का देना है, ये भी जानता है वो. एंड चिप्स आल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेस विकेट व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी. मिस्टर चिप्स भी उस वक्त अपनी राय का इजहार करता जब मिसेस विकेट उसके कमरे में आती और जो बकाया चीजें बची होती थी पार्टी से, बच्चों को जो पार्टी दी है उसके सिलसिले में, उसको साफ करने के लिए. अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम, ये बहुत ही दिलचस्प टाइम रहा मिसेस विकेट. यंग ब्रैंक्सम टेल्स मी, यंग ब्रैक्सम मुझे बताया है उसने, दैट हिज अंकल वाज मेजर कोलिंगवुड, के मेजर कोलिंगवुड उसके चचा है. द कोलिंगवुड वी हैड हियर इन नो
The Klingbird had their hair in, और यहां पर रहा है जब हमारे दौर में. I think it was, dear me, I remember Klingwood very well. और मेरे प्यारे मोहतरम, मुझे अच्छी तरह याद है क्लिंगवुड बड़ी अच्छी तरह. I once thrashed him, और मैंने एक बार उसकी पटाई की थी. थ्रैश्ड, पटाई करना. थ्रैश्ड हिम आना फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ टू गेट ए बॉल आउट ऑफ द गटर. और वो जिमनेजियम की छत पर चढ़ गया था तो मैंने उसकी पटाई की बाल गटर से निकालने के लिए. माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, शायद वो अपनी गर्दन, ब्रोकन हिज नेक, अपनी गर्दन द यंग फूल तड़वा बैठता, क्योंकि वो बेवकूफ नौजवान था और अपनी गर्दन तड़वा बैठता था. और डू यू रिमेंबर हिम, क्या आपको याद है मिस्टर विकेट. ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, वो यहां पर तुम्हारे वक्त में था मिस्टर विकेट. बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन इंचार्ज ऑफ द लाइन एंड रूम एट द स्कूल. मिस्टर विकेट जिनके यहां मिस्टर चिप्स ठहरा हुआ था और जब उसके पास पैसे नहीं थे तो पैसे बचाने से पहले वो लाइनर रूम की इंचार्ज रही थी स्कूल में. तो वो कहती है, यस आई न्यू हिम सर, हाँ मैं उसे जानती हूँ. आई न्यू हिम सर, मैं उसे जानती हूँ. चिकी, चिकी वाज टू मी, वो मेरे साथ गुस्ताख था, वो मेरे साथ गुस्ताखी से पेश आता था. चिकी जनरली, बट वी नेवर एड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहा. बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, बस जस्ट चिकी लाइक, कभी हमारी तलक कलामी नहीं हुई, बस इस तरह के अल्फाज का इतबाला हुआ, चिकी लाइक वगैरह का. He never meant no harm, और वो ज्यादा नुकसानदेह नहीं था. That kind never does, sir. Was not it? I am got the medal, sir. He never meant no. That kind never does, sir. Was not it? I am that got the medal, sir. और उसने मेडल हासिल किया था. हर इस किस्म का शख्स ऐसा भी नहीं जिसने तगमा हासिल किया था. हाँ, एक DSO का तगमा. क्या आपको
उसने मेडल हासिल किया था, यस अ DSO मेडल। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है जनाब? नथिंग मोर नो, आप किसी मजीद चीज की जरूरत नहीं है। टिल चैपल टाइम, इबादत का टाइम है चैपल इबादत। ही वाज किल्ड इन इजिप्ट, वो इजिप्ट में मारा गया है आई थिंक, मेरा ख्याल है। ये सम, हाँ वो मिस्र में मारा जा चुका है क्योंकि फौज में था। यू कैन ब्रिंग माई सुपर अबाउट देन, वेरी गुड सर। और फिर आप मेरा रात का खाना ले आना, सुपर रात का खाना। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा जनाब। अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ, बड़ी खुशगवार सादा साफ सुथरी जिंदगी। एट मिस्टर विकेट, मिस्टर विकेट के हाँ, ही हैड नो वरीज, कोई गम नहीं थे। हिज पेंशन वाज एडक्वाट, और उसकी पेंशन काफी थी। एडक्वाट मीन काफी। एंड देर वाज ए लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, और थोड़ी बहुत रकम बच भी जाती थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, जो चीज भी वो हासिल करना चाहता था, लेना चाहता था, वो ले सकता था क्योंकि उसकी पेंशन काफी थी। हिज रूम वाज फर्निश्ड सिंपली, और उसका कमरा सादगी से सजा हुआ था। विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, यानी स्कूल मास्टर का जैसे होता है रुझान, जायका होता है उसके मुताबिक। अ फ्यू बुक शेल्फ्स, इसमें कुछ किताबों की अलमारियां थी। एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, और स्पोर्ट की यानी खेलों वगैरह की ट्रॉफियां। ए मेंटल पीस क्राउडेड विद द पिक्चर कार्ड, और इसमें एक मेंटल पीस भी था, और ये जो बत्तियां वगैरह जलाई जाती हैं, अंगीठी वगैरह, अंगीठी दान। क्राउडेड का मतलब है भरा हुआ था। पिक्चर एक जगह पर लटके लटका लटका कर उसको भरा हुआ था। और उसको क्राउडेड विद पिक्चर कार्ड्स, पिक्चर कार्ड के ऊपर। एंड साइंड फोटोग्राफ्स, और साइनशुदा फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज, लड़कों के, एंड मैन आदमियों के। ए वॉर्न टर्की कारपेट, और एक पुराना फटा पुराना सा तुर्की का बना हुआ कारपेट था। बिग इजी चेयर्स, और आरामदेह बड़ी बड़ी कुर्सियां। पिक्चर्स ऑन दी वॉल, और दीवारों पर तस्वीरें ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम, एक्रोपोलिस और फोरम की तस्वीरें। नियरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर रूम इन द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस में जो उसका कमरा था, हाउस मास्टर की असीस से उसके पास जो कमरा था, वहां से तमाम चीजें इस कमरे में ट्रांसफर की गई थी, और वही ज्यादातर चीजें थी उसके पास। नीरली एवरीथिंग हैड कम आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस मास्टर रूम इन स्कूल। द बुक्स वार चीफली क्लासिकल, ज्यादातर उसके पास क्लासिकल किताबें थी। फॉर दैट हैड बिन हिज सब्जेक्ट देयर वाज, क्योंकि ये उसका मजमून भी था। हाउएवर ए सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री, और एक बकायदा हिस्ट्री भी उसके पास
There was, however, a seasoning of history, यानी बकायदा एक हिस्ट्री का मसाला भी था, and Bell's letters और अदबी खतूत भी थे. There was also a bottom shelf piled up with cheap edition of detective novels. और नीचे वाला बॉटम का जो खाना था वो जसूसी नावलों से भरा पड़ा था. और जसूसी नावल जैसा कि शेफ को पढ़ता था, विद चीप एडिशन ऑफ डिटेक्टिव नावल, शेफ्स एंजॉयड दीज, इनसे लुत्फ उठाता. समटाइम ही टुक डाउन वर्जाइल और एग्जोनोफोन एंड रीड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, और ये रिसालों के नाम है, वर्जाइल और एग्जोनोफोन, उनको लेता थोड़ी देर के लिए पढ़ता कुछ लबात. बट ही वाज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक, पर दोबारा आ जाता, और इंस्पेक्टर फ्रेंच पे, वो उसके पसंदीदा थे. ही वाज नॉट, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडियस टीचिंग, और टीचिंग ए वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर, वो इतनी ज़्यादा तसलसल के साथ पढ़ाने से भी अभी तक जो है वेरी प्रोफाउंड एंड क्लासिकल स्कॉलर था. और इंडीड ही थाट, और सचमुच वो उसका ख्याल था, फिर लेटन लातिनी और यूनानी ग्रीक फॉर मोर एज ए डेड लैंग्वेजेस, ये डेड लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, मुर्दा ज़बानें हैं. फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन, जिससे अंग्रेजी नौजवान जो हैं, आर टू नो अ फ्यू कोटेशन, कुछ कोटेशन जो है हवाला जात उनमें से ले लेने चाहिए. देन एज लिविंग टंग्स दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाई लिविंग पीपल, और इसको एक जिंदा जबान की हैसियत से जो कि जिंदा लोग बोला करते थे. ही लाइक्ड दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स, और वो पसंद करता था जो बड़े लीडिंग अच्छे आर्टिकल थे टाइम अखबार के, दैट इंट्रोड्यूस फ्यू टैग्स दैट ही रिकॉग्नाइज्ड, और जो तारफ कराते थे कुछ टैग्स का, कुछ निशानियों वगैरह का, जिनको वो पहचानता था. टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ द पीपल, काम ही उन लोगों में से था. वो अंडरस्टूड सच थिंग, जो ऐसी चीजें समझते हैं, वाज टू हिम काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड, काइंड ऑफ सीक्रेट एंड सच थिंग्स वाज टू हिम ए काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यू फ्री मैसनरी, यानी जो उनके साथ इस किस्म के जो लोग थे उनके साथ खुफिया और उनके साथ जो रवावत थे वो उनको बड़ी इज्जत की नगाह से देखता था. इट रिप्रेजेंटेड ही फेल्ट वन ऑफ द चीप बेनिफिट्स टू बी ड्राइव्ड फ्राम ए क्लासिकल एजुकेशन, और वो नुमाइंदगी करता था उन लोगों की जो महसूस करते थे कि बहुत बड़े मुफादा जो है लिए जा सकते हैं क्लासिकल एजुकेशन से. सो देर ही लिव्ड, और वहाँ पर वो क़याम पजीर था विकट के हाँ, विद दिस क्वाइट एंजॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग, और मज़े कर रहा था पढ़ाई के एंड टॉकिंग बातों के, बातचीत गपशप एंड रिमेम्बरिंग, और याद करता था एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वाइट हेयर्ड और उसके सफ़ेद बाल, एंड ओनली ए लिटल बैल्ड, और थोड़ा सा गंजा भी था, स्टिल फेयरली एक्टिव
अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी जो है वो एक्टिव था, होशियार था, और ड्रिंकिंग थी, रिसीविंग कॉलर्स, बिजीइंग हिमसेल्फ, और वो इस तरीके से अपने आप को मसरूफ रखता कि चाय शाय पीता रहता और कॉलर की कॉल अटेंड करता विद करेक्शन फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द ब्रोकफील्डियन डायरेक्टरी। ब्रोकफील्डियन की डायरेक्टरी जो छपती थी स्कूल की, उसके अगले एडिशन में वो कुछ गलतियों वगैरह सही करता रहता। राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स टू इन देम देन, और आपने थोड़े बहुत जो उनके लेटर कभी उन्होंने लिखता स्पाइडरी और अपने खास हैंड राइटिंग से, बट वेरी लिजिबल स्क्रिप्ट, लेकिन पढ़ा जाने वाला स्क्रिप्ट होता। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, नए मास्टर आते उनको चाय पे बुलाता, एज वेल एज न्यू बॉयज, नए लड़कों को। देर आर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म एंड दे आर लीविंग आफ्टर देयर विजिट, वन ऑफ देम कमेंटेड। और दो नए आए ऑटम टर्म के वक्त, तो दो थे वो ऑटम टर्म, एंड दे आर, और उन्होंने जब उसके पास आए तो जाने लगे तो उन्होंने इस तरीके से कमेंट किया, राय दी कि क्वाइट करेक्टर द ओल्ड बॉय इज नॉट ही, ऑल दैट फोर्स अबाउट मिक्सिंग द टी अ टिपिकल बैचलर इफ एवर। और उन्होंने इस तरीके से कि बहुत ही अच्छे किरदार वाला बूढ़ा लड़का क्या वो नहीं था, और जो मज़ेदार चीज़ थी मिक्सिंग, उसकी टी को मिक्स करना, और एक रवायती किस्म का कमारा रंडवा ए पी एवर, अगर वो देर बाज वन अगर कोई है तो वो है, विच वाज ऑल्डी इनकरेक्ट जो कि गलत था, बिका चिप्स वाज नॉट ए बैचलर कुवारा नहीं था एट ऑल बिल्कुल, ही हैड मैरिड, उसने शादी की थी, दो इट वाज सो लॉन्ग गो काफी अरसा पहले, दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रूकफील्ड कुड रिमेम्बर हिज वाइफ, कि किसी को भी उसकी बीवी याद नहीं थी, काफी अरसा पहले की बात है। The end. Thank you very much.